देवभूमि उत्तराखंड के लिए इस वक्त की दुखद खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में मां भारती की रक्षा करते हुए उत्तराखंड का लाल शहीद हो गया। जी हां दोस्तों, जम्मू में तैनात दिनेशपुर के गांव लखीपुर निवासी सैनिक आसिम सरदार 42 वर्ष की जम्मू में सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि जवान आसिम सरदार दीपावली की रात को बाइक दुर्घटना में घायल हो गए थे। जवान आसिम सरदार का अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान जम्मू के उधमपुर में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में तैनात थे। जवान का पार्थिव शरीर आज दोपहर के बाद उनके पैतृक गांव पहुंच सकते हैं। जवान उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के रहने वाले हैं। उनके शहीद होने की खबर से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी जनपदों में धूप खिली रहेगी। पहाड़ों को भी इस समय गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। राजधानी देहरादून में शनिवार को दोपहर के समय धूप खिलने के कारण गर्मी का एहसास हुआ। देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 28.6 और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं उधमसिंह नगर का तापमान भी 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। टिहरी जनपद का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 20.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह के अनुसार फिलहाल 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना है। अगर बात करें उत्तराखंड के पहाड़ों क्षेत्रों के, तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार मौसम में करवट देखने को मिल रहा है। पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में लोगों को जुकाम बुखार इत्यादि जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों, गढ़वाल तक की टीम आपसे निवेदन करती है कि आप अपने और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। बाकी खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए गढ़वाल तक को भी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।